गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है बहुत स्पेशल क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एनिमल फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने के लिए। कल एनिमल रिलीज है, कल है 1st of December और आज है 30th November और आज हम जा रहे हैं ऑल थैंक्स टू माई कोको बिकॉज कम्मू ऑल्सो हैज अ पार्ट इन इट बाय द वे, जिनको नहीं पता। सो या उस वजह से हम लोगों को अटेंड करने का मौका मिल रहा है एंड क्योंकि फैमिली भी इन्वाइटेड है साथ में सब कास्ट की, तो इसलिए कम्मू मेरे को लेके जा रहा है। यहाँ पे कम्मू के मम्मी पापा तो है नहीं तो हम उनको भी लेके जाते हैं साथ में, बट मम्मी पापा नहीं है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। सो दैट्स द सीन। हम लोगों ने सोचा आज मतलब ऐसे व्लॉग चालू कर लेते हैं। कम्मू, यू वांट टू से एनीथिंग? आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब इतना एक्साइटेड हो रखा हूं मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि सारी तैयारी करने में लगे हुए मैं और ज्योति। पता चल गया हमें इससे कम्मू एक्साइटेड से ज्यादा नर्वस है, बहुत नर्वस। सुबह से क्या पहनना है, क्या करना है, मतलब मैं तो चिल हूं, ऑब्वियसली मैं चिल हूं, बट कम्मू बहुत ज्यादा नर्वस है सुबह से। छह चीजें तो मुझे पहन के दिखा दी है, इतना कुछ करके दिखा दी है, बट फाइनली आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ कम्मू एंड वेरी हैप्पी। अभी हमें ये पता नहीं है भाई, हमने फिल्म देखी नहीं है कितना रोल है, क्या रोल है, बट कम्मू इज अ पार्ट ऑफ इट। वो बहुत एक बड़ी चीज है, जो एक्टर्स है जो मुंबई में रहते हैं वो ये इस चीज को समझ सकते हैं। मतलब बी इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ सच अ ग्रैंड फिल्म इज सच अ बिग थिंग एंड इट टेक्स अ लॉट। तो या एनीवे, सो वी आर जस्ट वेरी एक्साइटेड एंड सोचा कि आज ब्लॉग शुरू करते हैं और आप लोगों को भी प्रीमियर पे इस बहाने साथ में लेके चलते हैं, जितना हो सकता है उतना दिखाएंगे आपको। और अभी हम जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करें अपनी तैयारियां सारी की सारी, जिसमें हमारा यू नो थोड़े बाल वाल ये वो सब तैयारी करके अपन लोग निकलेंगे बेसिकली। हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बाल वाल थोड़े से सेट कराने हैं मुझे, मैं धुलवा भी लूंगी आज और थोड़े से सेट करवा लूंगी बाल। और कम्मू भी जा रहा है, उसको थोड़ा अपना रूट टचअप और सेट वेट कराने हैं बाल, थोड़ा सा ट्रिम वगैरह कराना है, तो उसके लिए चलो खड़े विच डांग खड़के। माल मचा रखा है इस मूवी के म्यूजिक ने, धमाल मचा रखा है। आपने नहीं सुना है तो आप सुनना जरूर, ठीक है ना? रोंगटे खड़े हो रहे हैं सारे गाने सुन के। इट इज वन ऑफ दोस फिल्म्स जिसे मैं डेफिनेटली देखने जाती हूँ और आई नो मैं इस फिल्म में बहुत रोने वाली हूँ क्योंकि बहुत पापा वाला सीन है। तो मैंने कम्मू को बोला है, मैंने कहा कम्मू मैं पूरा ट्राई करूंगी तेरे खुशी सबसे ऊपर रखूं, बट भाई मैं रोने वाली हूँ। मैं पहले इट इज फुल ऑफ इमोशंस, पहली बार आपको स्क्रीन पे एक फादर सन लव स्टोरी देखने को मिलने वाली, वो भी इतनी मतलब डीप कह लो या एक्सट्रीम कह लो, मतलब काफी मैं तो ट्रेलर और गाने देख देख के सुन सुन के ही बहुत रो रही हूँ। बहुत लोग इस फिल्म से बहुत अटैच कर पाएंगे अपने आप को, इस रिलेशनशिप को जो दिखाया गया है। ये खुजली कर रही है अपनी कमर, पीछे खड़ी हो गई है, क्या करूं, हो रही है अभी खुजली ना करूं तो मतलब एनिमल फिल्म रिलीज हो रही है तो बंदे को खुजली बंद हो जाएगी क्या? चलो, हो रही है मुझे खुजली। ठीक है चलो दिन की शुरुआत करते हैं। और कम्मू जा रहा है अपने सैलून में कराने के लिए, मैं जा रही हूँ अपने जिस सैलून में जाती हूँ। ओके, प्लान में थोड़ा सा चेंज है कि पहले डिसाइड हुआ था कि कम्मू अपने सैलून में जाएगा, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ जाऊंगी, बट अभी कम्मू बोल रहे थे उसको कुछ खास ज्यादा काम नहीं है तो अपन दोनों साथ में ही चलते हैं, यानी मेरे पास वाले सैलून में। कम्मू की एक्साइटमेंट दिख रही है ना? तुम्हारी भी दिख रही है, तुम जा रही थी आठ में जो देखा नहीं। इतना खुश तो मैंने तुम्हें हमारी शादी वाले दिन भी नहीं देखा था। शादी रिलीज पहले होती है, उसका प्रीमियर फिर पूरी जिंदगी पर चलता है। फिल्म में प्रीमियर पहले होता है और रिलीज बाद में होती है, इसलिए शायद हो सकता है ये चीज। ओके जी, मैं घर आ गई हूँ अपने बाल सेट करा के। अब मुझे मेकअप वगैरह करना है, रेडी होना है और मुझे ना छीके लग गई है बहुत ज्यादा क्योंकि अभी कम्मू का काम खत्म नहीं हुआ था तो कम्मू वहीं पे था, तो मैंने कहा चल कम्मू ने अपने बाल बाल अच्छे से सेट कराने ना, जेल वेल वाले, तो मैंने कहा चल कम्मू गाड़ी पे आ जाएगा, मैं पैदल चल जाती हूँ। बट आते हुए यहाँ रस्ते में काम चल रहा था कुछ तो कंस्ट्रक्शन का, तो उससे सब मिट्टी चढ़ी ना मेरे कि मैं आते हुए पता नहीं कुछ 40 छीके मार के आई हूँ। ओके, नाउ आई विल जस्ट क्विकली गेट रेडी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा एक्चुअली, एक ही घंटा है मेरे पास, उसमें मेकअप और मुझे अभी ये भी फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है कि मैं क्या पहन रही हूँ। आई हैव गॉट फ्यू ऑप्शंस जो मैंने अभी रिसेंटली मिंत्रा से मंगवाए थे, कुछ जंप सूट्स वगैरह, बट मुझे ये नहीं पता है कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया हुआ है बट, तो इसलिए मुझे वो भी ट्राई करना है। तो अभी मैं ना थोड़ा सा व्लॉग कम करूंगी, बातें कम करूंगी, रेडी हो जाती हूँ और मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा, पहले खाना खाती हूँ। ओके, खाने में है आलू मेथी की सब्जी, पराठे और ये मैंने मिर्च का अचार लिया है, थोड़ा सा मिर्च की चटनी टाइप्स। ओके गाइज, आई एम रेडी, दिस इज द जंप सूट दैट आई एम वेयरिंग। ये आई थिंक भूल गई, जारा का है शायद, हाँ जारा का ही आई थिंक, नहीं
मैंगो का है पता नहीं, एनीवे मैं लिंक दे दूंगी, बहुत प्यारा है बाय द वे, अच्छा लग रहा है और स्टफ भी बहुत अच्छा है. सो आई एम रेडी. कम्मू हैज ऑल्सो रीच्ड बैक होम, वो अंदर रेडी हो रहा है अपने, बस उसे कपड़े पहने थे, बाल वो सेट करा के आया था और अब हम लोग निकलेंगे. और ये वाला बैग मैंने उठाया साथ में, ये है डामिलानो का. आई थिंक दिस इज गोइंग द बेस्ट. एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किए हैं जो ये सबसे पहला मुझे ऐसे लगा कि यही ले लेती हूँ वही ले लिया. सो दिस इज द बैग आई एम टेकिंग एंड लंच इज डन, नाउ विल जस्ट लीव. लंच बाय द वे आज मैंने बिना गर्म करे खाया, आलू मेथी की सब्जी, दिखाया था ना मैंने आपको आलू मेथी की सब्जी, पराठा बिल्कुल ठंडे खाए, अचार साथ में लिया, ठीक है. और मतलब मुझे आज इतना स्वाद लगा है ना खाना, इतने दिनों बाद. जैसे ट्रेन में नहीं हम लोग छोटे होते लेके जाते थे खाना, या स्कूल में टिफिन लेके जाते होते थे तो उसमें ठंडा खाना खाते थे ना हम लोग, बिल्कुल वो वाली फीलिंग आई. बहुत मजा आया, अच्छे से लंच किया. लंच के बाद बाय द वे अब मैं अपनी लूंगी HK Vitals की गमी, जो कि है मेरी हेयर स्ट्रेंथ गमी. आई कंज्यूम दिस एवरी डे कंसिस्टेंटली फ्रॉम आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी मंथ्स, पता नहीं साल से भी ऊपर हो गया कंसिस्टेंटली मैं ले रही हूँ. वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर. दिस हैज विटामिन ए, ई, बायोटिन, फोलेट, जिंक, विच इज रियली गुड फॉर योर हेयर. तो ये एक गमी मैं कंज्यूम करती हूँ आफ्टर लंच एवरी डे, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में होती है, बहुत टेस्टी होती है. आई हैव स्पोकन अबाउट दिस मल्टीपल टाइम्स, सो आप लोगों को पता है, ठीक है. सो आई जस्ट कंज्यूम दिस नाउ एंड वी विल लीव. कमू रेडी? कमू दिखाओ नहीं लुक. कमू ने पहनी ये वाली शर्ट. कमू तो अपने बाल, ओ भाई पीछे से बहुत अच्छे लग. कमू मिस्टी रियली, मतलब तेरे को सब कुछ आज ही करना है ना अभी. She needs all the attention. तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे आने से पहले इसने मुझे कितना ज्यादा तंग किया, और हमारी बेडशीट नई वाली फटते फटते बची है. एनीवे कमू ने पहनी ये वाली शर्ट और ब्लैक जीन्स, और पीछे अपनी अब दिखाई है दोबारा से गुत्त. हाय बड़ी हॉट लग रही है, मस्त लग रहा है, पर मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ जब से मैंने, नहीं हमेशा नहीं, जब से मैंने हेयर कट कराया तब से मुझे मेरी लुक बहुत अच्छी लगने लग गई है. एनीवे ओके चलो लेट्स गो. हाँ तो टाइम ऐसा लग रहा है कि हमारे पास है इनफ है, तो चाय पीने का मेरा बहुत मन हो रहा था. मन क्या हो रहा था, मैंने पी नहीं हुई थी ना चाय एक भी, तो मैंने कबू को बोला थैंक यू भैया. भैया कमू भैया कह रही हूँ, अरे समझो ना यार क्या बोल रही हूँ. हाँ समझ गया मैं. गरम कमू पकड़ ले कमू. गरम तो है कमू, डोंट वरी. ठीक है आओ. ठीक है कैसे, अभी भी उतनी गर्म है, बट ये है कि हाँ चलो. हाँ तो हम पी रहे चाय, हम नहीं मैं पी रही हूँ, कमू को नहीं पीनी है. बट मुझे ऐसे है कि अगर मैंने अभी 5 मिनट रुक के चाय नहीं पीना तो मेरा थोड़ी देर बाद ऐसे ना हो कि सर दर्द हो जाए, क्योंकि मैंने एक भी चाय नहीं पी हुई बिकॉज मेरी इंटरमिटेंट चल रही थी, और आज तो मैं खाना खाने में और ज्यादा लेट हो गई. 2 बज गए आज मुझे खाना खाने में, नहीं तो मेरा 1 बजे का टाइम था. और अगर तुम्हें सर दर्द हो गया तो मुझे दर्द हो जाएगा. नहीं आज मैं तुम्हें टेंशन मत लो, आज कुछ नहीं कहूंगी. आज तुम्हारा दिन है, आज मेरी सारी फीलिंग्स और इमोशंस बैक सीट पे है, सो डोंट वरी. बट हाँ कुछ ऐसा ना हो इसलिए मैंने कहा कमू चाय पिला दे यार, चाय पीनी है मेरे को. प्रिकॉशनरी मेजर्स. सही बोला कमू यार, कैमरा लगाइयो. सुंदर लग रहा तू, बहुत चमक रहा आज तू. अच्छा लग रहा है ना, बूट पॉलिश जैसा चमक रहा आज मेरे साथ ना. तू जो कलरिज्म करता है ना. अरे नहीं तू समझी नहीं, जैसे हम जब ब्लैक जूते पे शाइन मारते ना तो क्या शाइन लगती जूती की, तेरी शाइन आ रही है शाइन. मेरे पास और कोई रेफरेंस थी ना बच्चा, लड़कों के पास क्या रेफरेंस होती है, यही रेफरेंस होती है. अभी कैमरा ऑन है तो जरूरी नहीं है कि बोलना ही बोलना है, कुछ भी बकवास बोलना है. और थोड़ा देर तक ही, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी देख लिया आपने. देख लिया कर दी, आज नहीं बोलूंगी कुछ. देख लिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो. अच्छा आप चाय पियोगे? कोई है क्या आजू बाजू? हम आप बोल दी तुम, हम हमारी चाय की तृप्ति हो गई जिंदगी भर का, हम और चाय ना पी. अच्छा सुनो ना, थोड़ा कम हिलो ना, ऐसे चाय गिर जाएगी. ओके आप पी लीजिए आराम से. कमू कभी कभार अगर गलती से उसे आप निकल जाए तो कमू को इतना हो जाता है. मुझे तुरंत वो दिख जाता है एक मंदिर, उसमें घंटी बज रही है. मम्मी पता मुझे हमेशा बोलती होती थी तू मत बोला कर, आप तो बोला कर, चल तुम बोल दिया कर, तो तू तू बोलती है. बाय द वे आज मम्मी को 1 साल हो गया पूरा गए हुए, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है. ट्राइंग माय बेस्ट नॉट टू टॉक अबाउट इट मच बिकॉज आज कमू का दिन है, आज हम कमू का दिन करेंगे. और मम्मी को तो हम रोज याद करते हैं. चलो यार बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा होता ही है. आशीर्वाद है उनका. देख आज तेरा प्रीमियर हो रहा है. yes. तेरे को बुला भी लिया उस प्रीमियर में, शुक्र है. शुक्र है. वो तो छोड़ फैमिली को ही बुला की, आप फैमिली भी ला सकते हो बोल दिया उन्होंने, ये भी शुक्र. वो तो उन्हें पता था ना तेरी फैमिली कौन है, ज्योति सेठी है. रणबीर कपूर ने स्पेशली पर्सनली बोला होगा कि भाई कमल की फैमिली को जरूर बुलाना. हाँ, वो जो उसकी वाइफ ज्योति सेठी है. बाय द वे पूरी स्टोरी तो बता दे क्या हुआ आज फैमिली वाली बात का. हाँ इनवाइट जो है नहीं रहते, तू पहले पूरा क्लाइमेक्स बता देगा, स्टार्टिंग से शुरू कर. प्रीमियर का जब कल इनवाइट आया उसमें मैंने एक मिनट चुप कर, उसमें जो मैंने फिर वही बात. अरे यार तू
जिस तरीके से बता रहा है कहानी पता चल जाएगी, पूरी गैस हो जाएगी तू क्या बता रहा है। कल कमू को इनवाइट आया, कमू वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑब्वियसली इन लोगों को ट्रेलर लॉन्च पे बुलाया था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद यार पता नहीं प्रीमियर पे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, बिकॉज बहुत बड़ी कास्ट है इस फिल्म की, तो दे वर लाइक कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आई एम नॉट कीपिंग माय होप्स हाई, आई वाज अ पार्ट ऑफ ट्रेलर लॉन्च, आई वांट टू बी हैप्पी एंड दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि ऐसे ही रख कमू, तो ऐसे ही खुश रहेगी, तो मुझे ट्रेलर लॉन्च पे इनवाइटेड था, तो अगर प्रीमियर पे नहीं भी हुआ तो अपना दिल छोटा नहीं करियो। ऑल्सो दे वर नॉट गिविंग अस एनी अपडेट्स, क्योंकि जब फिल्म का शूट चल रहा था उस दौरान हमको बहुत बोला गया था कि हम सब प्रीमियर पे इनवाइटेड होंगे ये वो, बट एक कॉन्क्रीट इन्विटेशन आ नहीं रहा था। हाँ, तो कल इनवाइट आया तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि चल तू अभी नाउ यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस द प्रीमियर आल्सो एंड ऑल ऑफ दैट। तो कमू बोला कि यार काश को जो जो अगर ऐसे तेरे को भी काश प्लस वन बोला होता तो मैं तेरे को भी लेके जाता। मैंने कहा नहीं यार कमू इट्स योर डे इट्स ओके तू इंजॉय कर, तू और मैं अगले दिन वापस से हम फिल्म देख के आएंगे। तो वो बात वहीं खत्म होगी। फिर कमू रात को कपड़े ट्राई कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। सुबह कम्मू को फोन पे किसी इसके फ्रेंड ने, एक और मतलब इसका वहां पे जो कुली है उसी फिल्म में एक बंदा और है, उसने बोला कि तो फिर भाभी भी आ रही होंगी ना, तो उसने बोला नहीं ना यार प्लस वन कहाँ बोला है। कह रहा भाजी यार आप मैसेज तो पढ़ो, उसमें लिखा है इट्स अ फैमिली स्क्रीमिंग फैमिली स्क्रीनिंग ब्रिंग योर फैमिली एंड दैट्स व्हेन ही लिटरली शाउटेड के ज्योति फैमिली को भी बुलाया है, मैंने देखा नहीं ढंग से, तू भी चल तू भी चल। तो मैंने कहा अच्छा चल चलती हूँ, तो इसलिए सब कुछ एंड मोमेंट में हुआ। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये था, बता रही थी मैं ये कि अगर उस बंदे ने कमल से ना पूछा होता तो फैमिली पूरी इनवाइटेड होती, लेकिन कमल मेरे को लेके ना जाता, कमल भूल जाता, और फिर अगर बाद में उस मैसेज को मैं पढ़ लेती और मुझे पता चलता थैंक यू ओके और बाद में थैंक यू हो गया। हाँ, तो अगर बाद में मैं पढ़ लेती उस मैसेज को तो कमल क्या गंदी लड़ाई करती मैं तेरे से, है ना, बहुत ज्यादा। हाँ, लड़ाई नहीं करती, तो समझती कि हाँ चल ठीक है बेबी मैं चलाऊं गाड़ी, नहीं हो गया चल। ये कहाँ रखूँ हमारा डस्टबिन, कहाँ है कार का, एक सेकंड, हमारा कार का डस्टबिन कहाँ है कमू, कार का डस्टबिन बेटा, डस्टबिन धुलने के लिए घर पे रखा था, बस देखा मेरा भाई कितनी अच्छे से रखता था ये कार, तुम नहीं रखते हो बिल्कुल, तुम्हारा बस चले होए कमू, मेरा ये था पूरी उसमें क्या था, कुछ तो दिख रहा था। अरे रुक जा कमू, अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं कि हम लोग सीधा प्रीमियर पे नहीं जा रहे हैं, हम पहले रास्ते में जा रहे हैं पिक करने। सो बेसिकली जो इनवाइट था उसके हिसाब से कमू को ऐसे लग रहा था कि यार फैमिली बोला है तो मतलब दो लोग तो मैं डेफिनेटली लेके जा सकता हूँ, तो एक कमू ने मुझे मौका दिया अपने साथ चलने का, और दूसरा कमू वॉन्टेड टू टेक धनुष विद हिम। धनुष इज हमारा मित्र, साथ ही साथ कम्मू का प्रेजेंट रूममेट, जहाँ कम्मू अंधेरी में रहता है वहाँ पे धनुष इज हिज रूममेट, सो दे आर ऑब्वियसली वेरी क्लोज नाउ बिकॉज दे लिव टुगेदर इन द सेम रूम, तो इसलिए ठीक है। तो पहले हम लोग जा रहे हैं धनुष को पिक करने, फिर उसके बाद कम्मू के साथ और जो भी लड़के हैं, जो आपने अगर ट्रेलर देखा है तो आपको देखा होगा आपने कि रणबीर के कुछ 12 कजन्स है ना, 11 कजन्स है, तो उसमें से दो तीन जो और लड़के हैं वो भी कम्मू साथ में कम्मू के साथ में हमारे साथ में जा रहे हैं प्रीमियर तक। तो फिर धनुष को पिक करके उन लोगों को पिक करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा टाइम से निकले हैं बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ट्रैफिक, कहाँ मिल जाएगा कितना मिल जाएगा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से मार्जिन लेके चले थे। आ जाओ जी आ जाओ, सिप बंद कर लो सिप बंद कर लो। खुली थी सच्ची में, ओह शिट, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, इज्जत बचा ली आज तुमने धनुष की। सही में मैं तो लूट जाता भाई, मैं तो जोश, पूरा जोश था बस, सारी चीजें ध्यान थी, जोश जोश में सिप नहीं बंद करी बस धनुष ने, वो कम्मू ने बताई है सिप बंद कर लो, दूर से देख लिया मैंने, लगता कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, चोटी अच्छी लग रही भाई साहब, थैंक यू बाजी थैंक यू, एक घंटे लगाया पूरा तैयार होने में भाई ने, यस नहीं पार्लर से तैयार हो गया है भाई, लग गया था हां ब्यूटी पार्लर। Thank you.
हेलो हेलो, लुक एट माय आईज. रात के 2 बज गए हैं मुझे घर पहुंचते पहुंचते. मुझे नहीं मतलब कमल और मुझे, बट कमल अब चला गया है. ये सब लड़के लोगों का प्लान था और उनमें से किसी एक लड़के का बर्थडे भी है तो सब लोग उसके घर पे पार्टी कर रहे हैं. तो अभी कमल वहाँ चला गया है और मैं अपना चेंज वेंज करके, दिमाग नहीं चल रहा यार. एक तो इतनी लंबी मूवी थी, इट वॉज अ नाइस मूवी, इट वॉज अ वन टाइम वॉच. ऐसा लग रहा था मुझे कि बहुत अच्छी होगी, बट ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी थी. इट वॉज नाइस. कम्मू की भी प्रेजेंस ठीक थी, मतलब ओके था, ठीक है. वी आर ग्रेटफुल दैट ही इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बट हाँ, इट वॉज ओके, इट वॉज फाइन. तो एनीवे, तो कम्मू अब चला गया है वो सेलिब्रेशन के लिए. मैंने बोला कम्मू भाई तुम जाओ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती हूँ क्योंकि कल हमारा आभारी का एक शूट है. तो कल सुबह 8 बजे का कॉल टाइम है, यानी मुझे सुबह 6 बजे उठ के तैयार वैयार होकर ऑफिस जाना है. तो वो सीन है. तो मैं अब 2 बज गए हैं ऑलरेडी, 4 घंटे मेरे पास सोने के लिए. तो मैंने कहा मैं अपना मेकअप वेकअप रिमूव करती हूँ, चेंज करती हूँ, सेटल होती हूँ. कम्मू आ जाएगा अपना 2-2.5 घंटे में जब उसको आना होगा. बट एनीवे ही डजंट हैव अ लॉट टू डू टुमारो, बट आई हैड. अगर मेरा भी नहीं होता तो मैं डेफिनेटली प्लान को कंटिन्यू कर लेती. बट एनीवे, ऑल इन ऑल वी हैड अ ग्रेट इवनिंग टू सी कम्मू ऑन बिग स्क्रीन. भले कम भले ज्यादा डजंट मैटर, टू सी हिम ऑन बिग स्क्रीन इट गिव्स हिम इमेंस हैप्पीनेस and that gives me immense happiness. So wo tha. So all in all hamari achhi evening thi. I want to tell you few things. Ranbir Kapoor ke sath na, jo ruko ek second. हाँ, सो सबसे पहले जो मतलब ऐसे स्टार्स थे उसमें आए हुए थे ऑब्वियसली रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, बॉबी देओल, सुरेश ओबेरॉय जी, प्रेम चोपड़ा जी, शक्ति कपूर जी, रश्मिका मंदाना ऑब्वियसली, तृप्ति दिमरी, जो लोग इस प्रोजेक्ट के पार्ट हैं, जो मेन कास्ट है, तो वो सब लोग आए हुए थे. एंड मैं आपको बताती हूँ मेरा सबके साथ क्या. बॉबी देओल के साथ तो बाय चांस धनुष, उस टाइम पे मैंने बोल दिया था कि वीडियो बना लो, व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग टू मीट बॉबी देओल. एंड ऑब्वियसली मैं अच्छे से मिल पाई बिकॉज ऑफ कम्मू, क्योंकि कम्मू ने इतने दिन काम किया है. भले काम कम होता है लेकिन शूट बहुत बहुत दिनों तक चलता है ना. तो बिकॉज ऑब्वियसली दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर ऑन द सेट्स, तो दे एवरीबडी न्यू कम्मू ना. तो कम्मू की वजह से मैं अच्छे से उनको मिल पाई. तो बॉबी देओल से तो ऐसे हुआ, ठीक है. और रणबीर कपूर से पता है मेल कब हुआ, ऐसे हुआ कि आई वाज जस्ट क्रॉसिंग फ्रॉम समवेयर एंड रणबीर कपूर वॉज क्रॉसिंग फ्रॉम देयर. और एकदम से रणबीर कपूर ने कम्मू को जैसे ही देखा, उसने इशारा कर दिया कि आ जा आ जा साथ में आ जा, इधर से ऐसे एंट्री इधर से ले ले मतलब. तो हमें वहीं से एंट्री मिल गई, ठीक है. उतने में कम्मू ने बोला कि मीट माई वाइफ. तो उसने इतना अच्छा सा शेक हैंड किया, ठीक है, शेक हैंड करके रणबीर कपूर आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम. तो ऐसे ज्योति, एंड मेरे मुँह से तो ऐसे निकल गया ज्योति. तो मैंने उसको अपना नाम ज्योति नहीं बताया, मैंने कहा ज्योति. मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मैं रणबीर कपूर को मिली ना, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा, उससे पहले ऐसा बहुत खला रहा है सॉरी. तो रणबीर कपूर को जब मैं मिली, तो उस मिलने से पहले मुझे ऐसे नहीं लग रहा था दैट आई बी सो हैप्पी मीटिंग है, क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा ऐसे है नहीं कि स्टार्स को, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, स्टार्स को ऐसे थोड़ा बहुत देखना वेखना हो जाता है. तो इट्स नॉट लाइक वी आर क्रेजी फॉर यू नो स्टार्स. बट हाँ, जब कुछ लोगों को मिलते हैं तो कई बार आपको पता भी नहीं होता कि आप उनको देख के इतना अच्छा लगेगा. एंड मे बी अच्छा लगा, या फिर रणबीर कपूर ने इतने अच्छे से बात करी, लाइक लिटरली व्हाट्स योर नेम ज्योति, ओके नाइस मीटिंग यू, ऐसे बोला. तो बहुत अच्छा लगा. और उसके बाद ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं इतनी पागल हो गई थी रणबीर कपूर से मिलने के बाद कि मतलब उसको तो मैंने ऑब्वियसली उतना शो नहीं किया, उतना टाइम नहीं था शो करने का. बट ना मैं अपने फ़ोन का पासकोड ही भूल गई थी. मतलब उसके बाद जब मैं अगली बार अपना फ़ोन ऑन कर रही थी, जैसे ही रणबीर कपूर निकला और उसके बाद अपना फ़ोन यूज़ करना चालू किया, तो मैं अपना पासकोड भूल गई. कैन यू इमेजिन, मतलब आई गॉट सो excited seeing Ranbir Kapoor and he was extra sweet. अब मैं आपको बताती हूँ रश्मिका के साथ मिलना, सॉरी यार फुटेज नहीं ली मैंने, रश्मिका को मिली, ठीक है. रश्मिका के साथ भी ऐसे ही हुआ कि मतलब हम लोग अभी एंटर ही हुए थे एंड देन रश्मिका आ गई, एंड देन कमल मिला एंड ही सेड कि दिस इज माई वाइफ ज्योति. तो मैंने हाथ जैसे आगे बढ़ाया एंड ही शी हग्ड मी. सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी लाइक ब्यूटिफुल कि उसने ऐसे नहीं कि मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उसने भी हाथ आगे मिलाया था, शी लिटरली हग्ड मी. मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसा नहीं था कि यू नो हट जाओ साइड हो जाओ तुम हो कौन टाइप्स और हम स्टार्स हैं, ऐसा बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था रश्मिका का और रणबीर कपूर का. बॉबी देओल ऑल्सो मेट वेरी नाइसली. और जो वो वाले सीनियर स्टार्स थे ना, उनको उनसे मैं ऐसे मिलने के लिए नहीं गई, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतने एज्ड
लोग हैं कि उनको डिस्टर्ब करना ना खुद को ही अच्छा नहीं लगता. ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. फिल्म मैं कहूंगी कि मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ओ माई गॉड क्या फिल्म होगी, ऐसा नहीं हुआ. अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप देखने डेफिनेटली वन टाइम वॉच तो है, बिकॉज वो जो ऑरा है, अरे बाप रे, बॉबी देओल भाई जब स्क्रीन पे आया ना, आई वॉज नॉट वेरी वो ऐसे कि हाँ बॉबी देओल, बट भाई जब वो स्क्रीन पे आया बंदा तो वो सब कुछ सबको खा गया आसपास. फिल्म चाहे भले मुझे ऐसे लगे हो कि हाँ ठीक है ओके अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं तो अच्छी थी, बट जो इन स्टार्स का ऑरा था, जैसे कि बॉबी देओल का या रणबीर कपूर का जो काम था, तृप्ति दिमरी का इतना अच्छा काम था ना, मतलब इतना बढ़िया काम था, बंदी ने बहुत अच्छा काम किया, तो वो सारी चीज़ों ने डेफिनेटली इस एक्सपीरियंस को अच्छा बनाया. सो हाँ, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो एनिमल देखने की तो डेफिनेटली आप वन टाइम वॉच कर सकते हो इस फिल्म को. इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही बेकार मूवी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली वन टाइम वॉच मूवी है. चलो अभी आई विल चेंज. इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल ड्रेस बाय द वे, मैं लिंक दे दूंगी. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस ड्रेस के साथ मेरा, आई वॉज सो कंफर्टेबल. आप लोग चेक कर लेना. ठीक है, अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले व्लॉग में. इधर कर रही हूँ तो तौलिया दिख रहा है, इधर कर रही हूँ तो कपड़े दिख रहे हैं इतने सारे, बट ऐसे ही होता है जब आप तैयार होके निकलते हो ना घर से जल्दी जल्दी में, तो आप ऐसे ही फेंक जाते हो सामान. ठीक है, अभी बहुत बोली मैं, मेरे को सोना है. गुड नाइट, बाय. होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग. इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय.